गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फिनेंशियल मैनेजमेंट का एक चैप्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन या उसको कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं, उसका एक टॉपिक अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का प्रॉब्लम सॉल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। डायरेक्टर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, वो लोग एक न्यू मशीन परचेज करना चाहता है टू रिप्लेस द मशीन ऑलरेडी इन ऑपरेशंस। ओल्ड मशीन जो उसके पास है उसको एक्सचेंज करके वो न्यू मशीन लाना चाहता है। बोला इग्नोरिंग इंटरेस्ट बट 50% टैक्स अर्निंग के ऊपर आपको मानना है। सजेस्ट दोनों में से कौन सा अल्टरनेटिव बेटर होगा, दैट इज प्रीफेयर्ड, कौन सा अल्टरनेटिव को हम लोग चूज करेंगे। तो ये ओल्ड मशीन का डिटेल है, ये न्यू मशीन। ओल्ड मशीन का परचेज प्राइस आपका 40,000 है और लाइफ 10 ईयर्स है, तो डिप्रिसिएशन अगर कैलकुलेट करते हैं तो 4,000। न्यू मशीन का कॉस्ट 60,000, लाइफ 10 ईयर्स, डिप्रिसिएशन निकालते हैं तो 6,000। साल भर में मशीन 2,000 आवर्स चलेगा, एक आवर में ये 24,000 यूनिट प्रोड्यूस करेगा तो 2,000 में 48,000, ये 36 प्रोड्यूस करेगा तो 2,000 में 72,000 यूनिट प्रोड्यूस होगा। वेजेस देखिए 3 रुपया पर आवर है, 2,000 आवर का 6,000, 5 रुपया 25 पैसा पर आवर है तो 2,000 आवर का 10,500। अच्छा, पावर का खर्चा 2,000 4,500, कंज्यूमेबल स्टोर्स पर एनम 6,000 7,500, अदर चार्जेज 8,000 9,000। यहाँ देखिए मटेरियल पर यूनिट 50 पैसा है, यहाँ भी मटेरियल पर यूनिट 50 पैसा है, यहाँ यूनिट प्रोडक्शन 48,000 आया था तो 50 पैसा करके 24,000 रुपया मटेरियल होगा, यहाँ 72,000 यूनिट्स आया था तो 50,000 50 पैसा करके 36,000 होगा। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 1 रुपया 25 1 रुपया 25, तो यहाँ पर 48,000 यूनिट का सेलिंग प्राइस 60,000 आ जाएगा और 72 का सेलिंग प्राइस 90,000 आ जाएगा। सेल्स हमारा इनकम है और ये सारा एक्सपेंसेस था, तो सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। टोटल कॉस्ट में डिप्रिसिएशन को भी कंसीडर करना होगा, आप 50% टैक्स माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को एवरेज इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करना है, इन्वेस्टमेंट में परचेज ऑफ मशीन के अलावा और कुछ है नहीं, तो परचेज ऑफ मशीन डिवाइडेड बाई 2 इसको करेंगे तो 20,000 रुपया एवरेज इन्वेस्टमेंट होगा, इसका 30,000 रुपया एवरेज इन्वेस्टमेंट होगा। उसके बाद ARR कैलकुलेट कर लेंगे, जिसका ARR का परसेंटेज हाई आएगा वही मशीन सिलेक्ट किया जाएगा, चाहे ओल्ड हो या न्यू। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। दो मशीन है अपने पास, ओल्ड मशीन न्यू मशीन, तो मशीन आवर्स पर एनम, इस ये 2000 घंटा है, ये भी 2000 है। प्रोडक्शन इन यूनिट्स, ये 1 आवर में 24 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा तो इसका प्रोडक्शन हो जाएगा 48, और ये 36 यूनिट प्रोड्यूस करेगा तो इसका हो जाएगा 72। ठीक है, तो 2000 आवर दोनों मशीन अगर चलता है तो ये 24 यूनिट्स पर आवर प्रोड्यूस करता है तो इसका प्रोडक्शन हो गया 48, ये 36 यूनिट प्रोड्यूस करेगा तो 72। अब आते हैं सेल्स, 48,000 यूनिट प्रोड्यूस किया, इसका 1 रुपया 25 पैसा सेलिंग प्राइस है तो सेल्स हो गया आपका 60,000। ये 72,000 यूनिट प्रोड्यूस किया, सेलिंग प्राइस वही 1.25 है तो इसका सेल्स हो गया 90,000। अब सेल्स के बाद आपको टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में मटेरियल आपका पर यूनिट मटेरियल है 50 पैसे, तो 48,000 यूनिट के लिए 24,000, इसके लिए 36,000।
मटेरियल है 50 पैसे पर यूनिट, तो 48,000 के लिए 24 और 72 के लिए 36। वेजेज, वेजेज मशीन, ओल्ड मशीन का वेजेज है 3 रुपीज पर आवर, तो 2,000 आवर के लिए 6,000। यहाँ पर है 5 रुपया 25 पैसा पर आवर और 2,000 आवर का वहाँ हो जाएगा 10,500। तो मटेरियल पर यूनिट था तो यूनिट से इंटू कर दिए, वेजेज पर आवर था तो आवर से इंटू कर दिए। इसके अलावा कुछ और एक्सपेंसेस है, से पावर, पावर यहाँ 2,000 है, यहाँ 4,500 है। इसके अलावा कंज्यूमेबल स्टोर्स, कंज्यूमेबल स्टोर्स, कंज्यूमेबल स्टोर्स इसका 6,000 और इसका 7,500। अदर चार्जेज, अदर चार्जेज इसका है 8,000, इसका है 9,000। बस ये है एक्सपेंस के रूप में। अब इसको प्लस कर देते हैं, ये हो गया टोटल एक्सपेंस। तो 24, 36, 32, 38 ये हो गया 46,000, ये हो गया 46, 50, 51, 60, 67, 500। अब ले आते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहां एक आइटम अभी और लाना होगा हम लोग को, डिप्रिसिएशन। ओके, यहां डिप्रिसिएशन ले आते हैं। कॉस्ट ऑफ द मशीन 40,000, लाइफ 10, तो यहां डिप्रिसिएशन आपका 4,000, यहाँ 60,000, लाइफ 10 6,000, तो ये हो जाएगा आपका 50,000 और ये हो जाएगा 73,000। ठीक है, थोड़ा इसको ठीक कर लेते हैं। तो इसका डिप्रिसिएशन 4,000 था, टोटल हुआ 50,000। इसका डिप्रिसिएशन 6,000 था, टोटल हुआ 73,500। एक बार ये चीज क्वेश्चन से आप देख लो। ये देखो एस्टिमेटेड आवर्स 2000 है, 2000। यहाँ प्रोडक्शन देखो 24 यूनिट, यहाँ 36, तो 72 हो जाएगा, 48 होगा। वेजेस देखिए 3 रुपया पर आवर, तो 6,000 होगा। 5 रुपया 25 पैसा पर आवर, 10,500 होगा। डिप्रिसिएशन देखिए परचेज प्राइस 40,000, 10 ईयर्स लाइफ 4,000, 60,000 का 10 ईयर्स लाइफ 6,000। ओके, इसके अलावा आप यहाँ देखो वेजेस दिया है 3 रुपया पर आवर, ये हो गया आपका 5 रुपया 25 पैसा। अदर एक्सपेंस देखो, पावर, कंज्यूमेबल स्टोर, अदर चार्जेस। यहाँ देखिए मटेरियल दोनों का 50 पैसा पर यूनिट और सेलिंग प्राइस 1 रुपया 25 पैसा पर यूनिट। ऊपर आके देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट को इग्नोर करना, टैक्स दिया है 50%। ठीक है, हम लोग सेल्स को ए लिख देते हैं और टोटल कॉस्ट को बी लिख देते हैं। तो प्रॉफिट ऑफ बिफोर टैक्स ए माइनस बी, यहाँ 60,000, 50,000, तो ये आ गया 10,000 और इसका 90,000 से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 16,500। माइनस टैक्स, टैक्स आपका 50%, इसका टैक्स 5,000, इसका 8,250। क्लियर, ये बचेगा 5,000 और ये 8,250 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो सबसे पहले मशीन आवर्स दिया हुआ था, यहाँ प्रोडक्शन दिया हुआ था 24 यूनिट, तो 48 हो गया, 36, 72 हो गया। सेल्स 1 रुपया 25 पैसा करके, मटेरियल 50 पैसा करके, वेजेस 3 रुपया 5 रुपया 25 पैसा आवर, पावर स्टोर अदर चार्जेस डिप्रिसिएशन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया 50% कर दिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया। अब चलते हैं एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज इन्वेस्टमेंट में ओल्ड मशीन, ओल्ड मशीन का वैल्यू दे रहा है आपको 40,000 और कुछ है नहीं, डिवाइडेड बाय 2, 20,000। न्यू मशीन का 60,000 डिवाइडेड बाय 2 आपका 30,000।
अब हम लोग कैलकुलेट कर देंगे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का मतलब हो गया एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, ओके, इनटू 100। ओल्ड मशीन, इसका प्रॉफिट था 5000, आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट 20,000 इंटू 100 25% आएगा। न्यू मशीन 8250 डिवाइडेड बाई 30,000 इंटू 100 27.5% आएगा। अगर परसेंटेज की तरफ से देखा जाए तो न्यू मशीन ज़्यादा प्रॉफिटेबल है इन कंपेयर टू ओल्ड मशीन। आप क्वेश्चन में ये पूछा था कि एआरआर मेथड से आपको बताना है, यहाँ देखिए पूछा था कि विच ऑफ द टू अल्टरनेटिव शुड बी प्रिफेयर्ड, ओके, कौन सा हम लोग को अल्टरनेटिव ज़्यादा सुटेबल होगा, तो न्यू मशीन विल बी हाईली सुटेबल। ठीक है, इसको लिखना पड़ेगा आंसर के रूप में, यहां लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू एआरआर, अकॉर्डिंग टू एआरआर न्यू मशीन शुड बी प्रीफर्ड बिकॉज इट गिव्स मोर परसेंटेज देन ओल्ड मशीन। ओल्ड मशीन से ज़्यादा है तो मोर प्रॉफिटेबल हो गया, इसलिए इसको सिलेक्ट करेंगे। कैसे सोल्व हुआ पहले आप एक बार देख लो, मशीन आवर दिया हुआ था, पर आवर प्रोडक्शन दिया हुआ था, ये आउटपुट आ गया। सेल्स ले लिए 1 रुपया 25 पैसा करके, टोटल कॉस्ट में मटेरियल वेजेज पावर स्टोर अदर चार्जेज एंड डेप्रिसिएशन लिए। सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस किए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस किए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एवरेज इन्वेस्टमेंट कोई डिटेल नहीं था, कॉस्ट डिवाइडेड बाई टू कर दिए, उससे एआरआर लिए। एआरआर पहले का आया 25%, दूसरे का 27.5%, तो मशीन न्यू मशीन शुड बी सिलेक्टेड। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू, बाय।